राजमानंद जी सुन करके जब उन्होंने कहा जो बाह्य
राग है ज्ञान मिश्रावक्ति सर्व सत्यता। राग आनंद पहले परम मिश्रावक्ति को बताया और यहाँ पर ज्ञान मिश्रा भक्ति को कहा है और इसके लिए उदाहरण दिया ब्रह्म पुत्र प्रसन्न था न सोचती न पांची समझ कर रहे सुखे सुमत भक्ति में लड़के। यहाँ पर थोड़ा सा विचार किया गया ज्ञान मिश्रा भक्ति किसको समझते हैं, ज्ञान के साथ में मिली हुई जो भक्ति है, ज्ञान के साथ में मिली हुई भक्ति एक है और भक्ति से मिला हुआ ज्ञान एक है। भक्ति से मिला हुआ ज्ञान वो तो कुछ ऊपर है और ज्ञान से मिला हुआ भक्ति ज्ञान की भक्ति से टीका है। भक्ति अपना फल देकर के अपन सकता है किंतु उससे बोलते और व्याख्या भक्ति से करने से क्या समझ में आता है। तीन प्रकार के ज्ञान हैं, सब पदार्थ का ज्ञान, सम पदार्थ का ज्ञान और जीव और ब्रह्म ऐक्य एक ज्ञान। तीसरा जो जीव ब्रह्म ज्ञान का ऐक्य है ये भक्ति का योगी है, इसलिए इसको तो संपूर्ण रूप से छोड़ दे क्योंकि इसमें संबंध ज्ञान ही लुप्त हो जाता है। संबंध ज्ञान रहता है तो संबंध ज्ञान नहीं है तो सेवा की वासना भी कहां से आए, इसलिए इसको छोड़ो। और पदार्थ का ज्ञान और स्वयं पदार्थ क्या है, सब पदार्थ में भगवत तत्व क्या है, शिव तत्व माया तत्व ये सब जानने की जरूरत है। ऐसा ज्ञान जो सब पदार्थ का ज्ञान है और स्वयं पदार्थ का ज्ञान है, सब माने क्या भगवत तत्व, भगवत तत्व इसके अंतर्गत में जीव तत्व माया तत्व सभी कुछ है। इसलिए ये कुछ कुछ सहायक है कुछ हद तक पहले प्रारंभ में ये जरूरत होती है, एक अंत में इसकी भी जरूरत नहीं होगी, ये आगे हम लोग कर जाएंगे। इन तीनों ज्ञानों से जो शून्य रही दोनों से मिश्रित भक्ति तो हो गई ज्ञान निष्ठा भक्ति और तीनों से अमिश्रित हो वो उत्तमा हो। इसमें दिया है ब्रह्मभूत प्रसन्न न सोचती न पांचती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परां। इसमें ब्रह्म भूता माने जब ब्रह्मभूत जीव हो जाता उसके छह लक्षण है, आत्मा अपहत पापमा पाप नहीं इसमें वृद्धावस्था है इजरो ईश्वर को और अपिपाद सुधा कृष्ण इत्यादि काम इत्यादि हो ये सब नहीं है तो उसको ब्रह्म होता प्रसन्न ब्रह्मभूता में अनावृत चैतन्य को कहते हैं ब्रह्मभूत।
ब्रह्मा अथवा कृष्ण अनावृत चैतन्य है। जीव भी जब अनावृत चैतन्य हो जाता है तो उसको ब्रह्म होगा, उसका लक्षण ये सब अगेन ब्रह्मा अनावृत चैतन्य अनपावर्ड चैतन्य जीव आल्सो ही बिकम्स लाइक दैट। जब जीव अनावृत चैतन्य हो जाता है ब्रह्म में मिलता नहीं है किंतु ये भी अनावृत माया के द्वारा आवृत नहीं रहता, ऐसा जीव हो जाता है। जब लसुन से भी नपान सके कोई चीज प्राप्त होकर के नष्ट हो जाए तो सोचे शोक नहीं कर सकता। किसी की भी चीज यदि आ गया और वो नष्ट हो गई चीज भाई बंधु धन संपत्ति और सब कुछ उसके लिए शोक नहीं करता, नतम सकी। और जो चीज नहीं है उसके लिए आकांक्षा नहीं करता है, अभिलाषा नहीं करता है। समस्त देश समस्त प्राणियों में वो सम रहता है, वो ऊपर के विचार से नहीं चलता। ये लंगड़ा है, दूल्हा है, गोरा है, काला, ये सब विचार है। आत्मा देशी से चलता है, आत्मा देशी। हस्तापत्र को जानते हो, एक समय अष्टावक्र अपने हिमालय के आसन से जनकपुर में महाज्ञानी जनक जी के दरबार में आए और उसको देख करके उसका टेढ़ापन सब लोग भोग करके हंस उठे। जनक जी सबको हंसते हुए देख करके ये भी हंसी, तो वो भी अष्टावक्र की लाठी रख करके और बड़े जोर से हंसने लगे। राजा जनक ने पूछा, ये लोग तो हंस रहे हैं आपके अमृत के टेढ़ापन पर, कोड़े पर, आप इसलिए हंस रहे हैं? तो हंस ना, मैं रावण रो रहा हूं, मैं महाराज जनक के दरबार में आया था, ना सारे बड़े बड़े पंडित लोग हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, सब प्राणियों में सम है, किंतु सब चमार होती है। चमार माने तू मेकर, वे लोग ये कहते हैं कि अच्छा चमड़ा है कि कोई खराब चमड़ा, इनको ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान किसी को नहीं है, इसलिए मैं हंस रहा और मैं चल रहा हूं। इस सभा में कभी ऐसे ही चमार मुखी बैठे हैं, वहां पर बैठने की कोई जरूरत कोई लाभ नहीं होगा, ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं आए। जब कल अभी मारा गया है उनके चरण में गिर गया, क्षमा मांग करते करते ये तत्व ज्ञान समदर्शी होते हैं। जैविक कलापन या गौरवर्ण या बुद्धि और ये सबकी कोई भी आत्मतत्व में विचार नहीं होता है। विचार होता है सुरानुबंधी को जो है उस पर विचार, भगवत तत्व को जानता है, भगवान की कथा जानता है, तो सब ठीक है और मैं तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है जगत का। तो सर्व सब समस्त सर्वेश होते शुरू, यदि ऐसा है मत भक्ति लगते तो मेरी भक्ति को प्राप्त। यहाँ पर ब्रह्मभूत जो ज्ञान है ये साधन तो उच्च कोटि का नहीं है, किंतु एक बात है इसमें उदाहरण किस लिए दिया, इसमें कुछ संभावना है पराभक्ति के लिए। पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति, इसलिए प्रेमा भक्ति होने की संभावना है यदि साधन संग हो जाए तो, और अपराध
समाधि नहीं हो तो वृंदावन के साधुओं में, मायावादियों में, अद्वैतवादियों में, ज्ञान के साधकों में कुछ क्या शरण हुए भागवत का पठन पाठन कर और भगवान के चरणों में अपराध नहीं करते, इसलिए उनको साधु संग होने की संभावना है। इसलिए इसको कहते हैं कि प्रेम भक्ति, किंतु हो ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंतु यदि ऐसा हुआ, कोई वृंदावन के रहने वाले साधु लोग और अद्वैतवादी लोग जो ज्ञान के साधक हैं, साधन कर रहे हैं और बाई चांस वहां पर किसी संत से मिल गए और संत से मिलने से क्या हुआ, भगवान की मुख से उनके मुख से हरि कथा भी सुना, तो साथ ही साथ में उनको प्रेमा भक्ति होने की संभावना है। इसलिए उसको इसमें एक और बात है, इस श्लोक की व्याख्या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है, श्री गोस्वामी ने भी किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, देखो जिस प्रकार से मांस माने कलाई, कलाई होती है कलाई बोलो, मुग्ध मुंह उड़ती का मुंह हरी हरी या पीली पीली मुंह होती है, या उनकी भूसी हो और उसमें एक स्वर्ण कणिका उसमें मिल जाए, तो कुछ दिनों के बाद में ये मुंह और उड़द और उसकी भूसी गल जाए, नष्ट हो जाएगी, सड़ गल जाए, चाहे एक बार दो बार चार बार में गल जाए, किंतु स्वर्ण का जो कणिका है उसमें मिला हुआ है तब तक मालूम नहीं होता है, वो देखा नहीं जाता, वो मालूम पड़ता है वैसे ही मुंह का भूसी या दाना या कुछ है पीली या सरसों पीला होता है, उसके साथ में मिल जाए कहीं आग लग गई तो क्या होगा, वो सब जल करके राख हो जाए, किंतु स्वर्ण कणिका तो वो गलती और न जलेगी ही, वो पीछे से पीछे। ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान निष्ठा भक्ति कहा और उसमें भी कहा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कहते, ये शोक कुछ नहीं करते हैं और कुछ इच्छा भी नहीं करते हैं, तो ब्रह्मा एक ज्ञान की इच्छा भी नहीं करते हैं तो लोग, और संतों से मिलते हैं वृंदावन के और संतों से मिले से उनकी हरि कथा सुनते हैं, तो स्वर्ण कणिका आती है वो तो विकसित हो रुचि है और साथ में ब्रह्मा एक ज्ञान जो होता है वो सब नष्ट दूर हो जाता, कैसे होता है, अपराधी नहीं है, कृष्ण की लीलाओं का या भागवत के प्रति या भक्तों के प्रति या भक्तों के चरित्र के प्रति कोई अपराध नहीं, प्रहलाद सहित में और दूसरे चरित्रों को, गोपियों के चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं और सुनने से क्या होता है, उनको जो उज्ज्वला जो भक्ति है कणिका वो तो भगवान की संपीत और राजनी की वृत्ति है, भक्ति माने वृत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, कभी कभी अंतर ध्यान हो जाती है अपराध होने से और अपराध न हो तो वो समुद्र होकर के उसको प्रेमा कर, इसलिए संभावना अर्थ में इसका ये बदला है, यदि ऐसी संभावना हो क्यों कहा, इसका कारण तस्मै महान मुखर्ता मधुभिष चरित्र पीयू समुद्री पर सरिता समंती ताजे पिवंत
अपने को निपटार करना सांना स्पृशति असन शोकमो क्या करते साधुओं के समूह में जाने से वृंदावन में जाओ पर साधु के निकट बैठ जाओ और बैठने से क्या तस्मी महान मुखर महान जो व्यक्ति है उनको तीर्थता गुणवा आदमी को देख करके उनकी भक्ति उत्सुक हो जाती है और वो महान मुखर का वो खुद ही जैसे कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से नदियां अपने आप बहती हैं ऐसे संतों के हृदय से प्रकट हो जाता है उनसे मुखर हरि कथा निकलने से उस कथा का यदि कोई पान करे तो क्या होगा उसका खुदा कृष्ण और पिपाशा इत्यादि जगत की जितनी भी सभी को शोक मोह ऐसा सतान प्रसन्नम वेद्य संविदो भगवान तेरी तो कारण रसायन तथा तद्योतना तथा तू अपवाद वर्तमानी सद्धारती भक्ति क्या सतान प्रसन्नम वेद्य संविदो भगवान तेरी तो कारण रसायन अपने आप को उसे पूछने की जरूरत नहीं है बैठ जाओ बस और देखो तो नदी निकली फाउंटेन अपने आप हरि करता उनको आप चाहिए श्रोता यदि पशु पक्षी भी श्रोता मिल जाए बसा कुंभ भी पेड़ भी कोई भी नहीं है और मनुष्य मिल जाए तो और क्या प्रभु पाठ भी करते को देख करके हरि कथा हो सकते खाना पीना भूल जाते हैं लोग किसी प्रकार से बच्चों को भी हटा देते थे प्रभुपाद बिगड़ जाते लड़के को क्यों हटा दिया कभी हरि कथा बोल रहे हैं भाव में मग्न है तो इशारा करके प्रभुपाद जी का खाने का समय हो गया और घट जाओ तो हटा देते थे तो बड़े बिगड़ जाते व्यवहार बताता हूँ बिगड़ी लोग नहीं समझते तो वही कहते हैं कहते हैं क्यों ऐसा होता है तो सतान प्रसंगम विद्य संगीत हो उसमें कोई तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है तत्व ज्ञान की जरूरत उसमें जो हरि कथा सुनता है उनके मुख से उसमें तत्व ज्ञान इत्यादि सब कुछ सूची में रहता है इतना जरूरत ज्ञान प्रयास उदभाष्य पृथक रूप में ज्ञान ज्ञान में एक विशेष ज्ञान की तो बात नहीं है भगवत तत्व ज्ञान अब भगवान ऐश्वर्य कुल है और भगवान तत्व जीवन तत्व इत्यादि पृथक रूप में उनके लिए प्रयास मत करो तुम महापुरुषों के मुख से जो कुछ हरि कथा सुनोगे उससे लिए तुम्हारे लिए जो योग के रूप में उसमें तत्व ज्ञान भरा पड़ा है और वो रसमयी होता है और अकेले तत्व का ज्ञान करने निगट हो जाता है इसलिए जो जाओ जरूरत है तो उसने तो है ही पृथक रूप में इसके लिए ना वो करता by summarizing
The final point from yesterday's lecture. Sri Prabhupada had given a suggestion to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Swadharmachar e Satyasar. The essence of all objectives in life is to give up one's dharma, prescribed duties. And to support this, he gave praman. First praman, Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11, Text 32. Akeyeva Gunan Doshan. And second one, Bhagavad Gita, Chapter 18, Text 66. Saradharma Parityaja Vaikam Shanam Vrita. So, when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these suggestions, he said, Eho Bhaiya, this is external. Tell me something superior. Why? Because in the renunciation of worldly duties, there is no connection with Atma Swarup. That means there is no conception which is Swarup Anubandhi, relationship between the soul and God. And in this renunciation of worldly duties, there is no Krishna Sevavasana, intense desire to render service to Krishna. So this is not bhakti, but it can be considered a step in the direction of bhakti, or the door, the entrance into bhakti. So then, Sri Prabhupada, he said, Jnana Mishra Bhakti Sarva Sadhya Sar. The essence of all objectives in life is Jnana Mishra Bhakti. So what does that mean? It means bhakti that has some jnana mixed with it. There are two things. Jnana Mishra Bhakti and Bhakti Mishra Jnana. So, if someone is following the path of jnana and they mix some bhakti with it, this is not as favorable as doing bhakti, but they have some jnana mixed with it. So, we should know that jnana is of three types. The first type is called Tat Padartha Jnana. The second type is Tvam Padartha Jnana. And the third type, Brahma Jiva Aikya Jnana. So this third type, Brahma Jiva Aikya Jnana, means to be absorbed in the knowledge or conception that Brahma, the Absolute Truth, and the Jiva, they are absolutely one in all respects. So this is Bhakti Virodhi. It is antagonistic to bhakti, completely unfavorable, because if everything is one, there cannot be any relationship, and without relationship, there cannot be any service. And therefore, this should be unequivocally rejected. So, Tat Padartha Jnana. Here the word Tat means Bhagavatattva. Bhagavatattva, the philosophical knowledge of the principles of Bhagavan, includes also Maya Tattva, his relationship with Jiva Tattva, and all of these things. And the second, number two, Tvam Padartha Jnana means knowledge of oneself, as the Atma Tattva. So, this Tvam Padartha Jnana and Tvam Padartha Jnana, this is helpful in the beginning and necessary in the beginning to understand who is God, who am I, what is our relationship as a theoretical principle. But it's only helpful in the primary stages of bhakti. And when bhakti begins to mature, then it's not important anymore. So, if jnana is mixed with bhakti, then it's jnana mishra. But if this jnana is given up, then it becomes uttama bhakti. So, when Prayamananda suggested about Jnana Shabbati, he gave Praman evidence from Bhagavad Gita, chapter 18, text 54. Brahma Bhuta, Pasanatma, Nasodhiti Nakakshati, Samasavi, Bhuta, Shumad Bhaktin, Lagate Praman. Now, Srila Gurudev explained the meaning of each word, each line, from beginning to end of the verse. So, Brahma Bhuta, what does this mean? It's a stage where someone realizes that the Atma has no power.
no sense. It does not, the Atman does not grow old. The Atman is not affected by lamentation, thirst, hunger. So this is Mr. Kali based on one verse of the Upanishads, describing the attributes of the soul, but in an indirect way, through the things that the soul does not have. So when someone realizes this, they call Brahma Bhuta, and they become Prasanatma, that means they become joyful. So this Brahma Bhuta stage is also called Anavritta Chaitanya. In other words, the consciousness of the jiva is not covered by the gunas, three modes of mature nature, any mature covering. So Brahma Bhuta means Anavritta Chaitanya, uncovered consciousness. So if a jiva is not covered by the mature energy, then at that time, he was saying, Brahma Bhuta Prasanatma Na Sojati, such a person will not lament. In other words, if they lose something, such as they lose their brother, wife, children, family members, or they lose their wealth or home, then they will not lament at all. And Na Kamshati, they have no longings, no hankerings. In other words, he does not think about those things that he does not have. These are the symptoms of Brahma Bhuta. And Samatsaveshu Bhuteshu, he sees all living energies equally. So that doesn't mean that he deals with everyone within the same way. He can see this is a horse, this is an elephant, this is a human being, etc. But from the point of view of the soul, he knows that all the atmas within all the living entities, they have the same transcendental nature. So he sees equality in them. Srila Prabhupada gave an example. Once, Astabhakya Rishi traveled and came to the palace of Janak Maharaj in Janak Puri. So when he came there, you know, he's cooking in 8 places, so he's in Astabhakya. So he walks in a very peculiar way, a very curious way. So when he came to the assembly there, the people in that assembly, they began to laugh at his peculiar way of walking. So he was walking with the sick, and then he stopped walking and put his stick down. And he began to laugh. He began to roar at the top of his voice, laughing very, very loudly, more than anyone else. So then Janak Maharaj asked, "Why are you laughing?" He said, "If I don't laugh, then I'll cry. Because I heard that this was a very learned assembly. We are fighting you all. You all. What's the real question?" And then Maharaj had an answer that you are to follow me, but it is. So we have to come here. Are you have to come here with the assembly? So first, after Bhakti Rishi, he asked, "Why are you laughing?" So Janak Maharaj said, "You are so ugly, so deformed, and yet you have the bottle, you dare to come into this assembly." So then, that one, "Why are you laughing?" He said, "Oh, I had heard that there was a learning assembly here, but now I discover that I stumbled upon the convention of shoemakers." You know shoemakers? They only know skin. Their life, their knives, always cutting and making things from skin. So this is their only field of expertise. So, after what Rishi said, "You are simply all like shoemakers, because you only see skin. You are seeing this physical body, but you are not seeing the beauty of the soul within." So then he said, "So I don't want to say I'm going," and he was prepared to leave. But Janak Maharaj very humbly came and requested him to stay and share with them the Atmatatvajnana, knowledge of the soul. So the intelligent mind cannot understand the Atmatatva. In this verse, Sri Krishna said, Nasotati Nakamsati Samaksashitvesha Buddhashit Mad Bhaktim Labhate Param, means that a person who is situated on the platform of Anavritta Chaitanya, they can attain my Bhaktim Labhate Param. My Bhakti Param, that means Parabhakti, pure devotion.
So when Chaitanya Mahaprabhu heard this, he rejected it. He said, this is also external. Why? Because Parabhakti is very high. And if a person is already liberated from the bodily conception of life, from that stage of Brahma-bhuta, they can enter into the stage of Parabhakti, but only if they have the opportunity for sadhu-sangha. And they have not committed any offenses. But if they don't come into sadhu-sangha, then they cannot attain this Parabhakti. And there's no guarantee also that they will come into sadhu-sangha and attain Parabhakti. So it happens very often that there are many sadhaks who are doing jnana sadhana, the cultivation of jnana. That means the deliberation between matter and spirit only, sattva sattvicha. And they come to Vrindavan. But there in Vrindavan, they meet a sadhu, a real sadhu, and they hear some Harikatha, and at once, there and then, upon hearing the katha from the lips of a sadhu, they attain Krishna playing. Why? Because they were already liberated. And then, very quickly, this bhakti manifests in their heart. Because their chaitanya is anavrita, it's not covered by so many anaks, unwanted desires. So Śrīla Viṣṇupāda Thakura and Śrīla Jīva Goswami commented upon this verse. Especially, Śrīla Viṣṇupāda Thakura gives an example how it is that the person with Brahma-bhuta, he attains Parabhakti. So, if one very small piece of gold will fall into some urika and mumta and be mixed in there, then you cannot find it. Cannot discover where it is. But if there's fire and it burns those beans, then what will happen? The beans will be burnt away, and gold, when it's in fire, it becomes more abundant, and then you can find it. So Śrīla Viṣṇupāda Thakura gave this example, and it's an allegory to show that here the small piece of gold is compared to the Samvit and Bhagini Shakti, which is, can never be destroyed, but it is present, hidden, in the heart of the living entity. So when a person who has no lamentation and no material desires, but they also have no desire to serve Krishna, no true desire, but also no desire to serve Krishna, but they come into the association of the sadhu, by the influence of the fire of sadhu sangha, then the dharmiya mukha urida is compared to the brahmadhyana. Oh, this goes away, and the essence of samvit and bhagini, which is as a potential in their hearts, it manifests. This is called manvakti labhate param, the attainment of bhakti, very, very easily and quickly. So, how does it take place? See, Narada Rishi, he has explained in Srimad Bhagavatam, Kasmin Mahan Mukaritan Marubis Charitra Piyush Shesha Sarita Parita Swaranti Kaye Kivante Britisho Nipagada Kayes Tanas Vishanta Trit Shuddha Shoka Moha Maya. Here, Narada Rishi is saying that when we come into the association of a sadhu, then what should we do? Or just sit down there and listen? Because just as in Mount Kailash, there is one lake called the Manasarovar, and from that lake many, many streams and rivers flow down. So simply, from the heart of the sadhu, then the rivers of Harikatha are flowing from his mouth, and the living entity, when he comes in touch with that current of Harikatha and listens with very intense desire, very strong hearing capacity, then this river of Harikatha, it washes away all hunger, thirst, and lamentation, illusion, and fear. In other words, he transcends the body conception of life and he attains bhakti.
So same thing as being told in other words by Shri Kapilde, Satam Prasadama Bhagavira Sabino, Bhavanti Vedkara Rasaya Sata, Tajoshi Asu Apavarga Mani, Sadarati Bhakti Anukravishati, Canto 3, chapter 25, text 25. So, in the association of sadhus, then what should you do? Nothing to do. Just sit down. And automatically, like a fountain, Harikatha is flowing by itself from the heart of the pure devotee. So just sit down and listen. And what will happen? The heart will be satisfied. The ears are satisfied. Shraddha, faith in devotional service, awakens in the heart. And simply by listening, the faith matures into Bhav Bhakti Rati, and Rati matures into Brahma Bhakti. Srila Gurudev gave an example that our Niti Prashupad Ashwatasa Sishmat Bhakti Siddhanta Sasari Thakur, that our Guru Srila Prabhupada, he would always tell Harikatha. And if no one was there, if only a few small children were there, he would tell them to sit down and he would tell Harikatha, even to small children. And if anyone would come to say, oh, Kaliko Mahaprasadam or Vini Mahaprasadam, then Srila Bhakti Siddhanta Sasari Thakur would become angry. Why are you disturbing Harikatha? This is the most important thing. And sometimes, if he'd been speaking to them for a long time, then his servants would come and try to make the children go away. But Srila Bhakti Siddhanta Sasari Thakur would become angry. Why are you taking them away? Understand, now they're absorbing Harikatha. And from this, all the transcendental benefits of pure bhakti will manifest. So, see, Ramananda Rai, he said, Jnana Shunya Bhakti Sarva Sadhyasa. When Jnana Vishwa Bhakti was rejected by Chaitanya Mahaprabhu as being external, Ramananda Rai gave another suggestion. He said, this time he suggested Jnana Shunya Bhakti, bhakti which is devoid of the tendency for the cultivation of knowledge. So then, Ramananda Rai gave an example spoken by Bhagavan Brahma in Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter 14. Jnane prayasamudha bhasya namanta eva jivanti sanva parisampa vidhya vartan stane stita siti katam tano vanta nobhi ye prayasamudhito ditopya sita istilokyam. Meaning is, jnane prayas, the endeavor to cultivate jnana, should be put up, given up completely. What kind of jnana? What to speak of the impersonal jnana? What to speak of Bhagavatatva jnana? Even the knowledge of Krishna's opulence, this should also be rejected and given up. All knowledge of Krishna's opulence. And jivanti sanmogaritam bhavadiyavatam. Just sit down and listen to the current of Harikatha coming from the mouths of the sadhus, pure devotees, those who are transcendentally situated. Now, someone may object, without the Bhagavatam Jnana as Svayam, how can we do bhakti? So, Srila Gurudev explained, just listen to Harikatha, listen to the sweet pastimes of Krishna, and you come to realize that all types of Bhagavatam Jnana, everything is already included in that Harikatha. No need for the separate endeavor to know all of these things. Just one more point. The Harikatha, sorry, I could not read my own handwriting. The Harikatha, discussion of Krishna's pastimes, is full of rasa. And if you hear it, you will also be full of rasa and jnana will be included. But if you hear the Tattva jnana, you will be near us, devoid of transcendental mellows. Because this, not, this Tattva jnana, this discussion, transcendental mellow. हरे कृष्ण ज्ञान मिश्रा भक्ति की भाग्य है
So Radharamanand has done Jnana Sunya Bhakti Shastrata. Jnana Sunya, और जो तिब्बत पदार्थ का ज्ञान है हमने कहा उससे जो शून्य रहित शक्ति है और उसके लिए उदाहरण दिया ज्ञान प्रयास जीवन जन्म पिता हानि स्थिता तनुमान स्तुति कथान तनुमान मनोगी ये प्राय को अधिक भी तो अधिक तरीके करते ज्ञान प्रयास ज्ञान के लिए जो चेष्टा है उसको संपूर्ण रूप से प्रत्याग करो। जी गोस्वामी कहते हैं यहाँ पवन पदार्थ का ज्ञान पवन पदार्थ का ज्ञान माया तत्व का ज्ञान और कितने तत्व हैं यहाँ तक कि भगवान के अक्षर के ज्ञान इनको भी छोड़ करके उद्भाषण उसकी चेष्टा को संपूर्ण रूप से छोड़ करके नमंत एवं जीवन थी वो भौतिक वार्ता स्थान का जहां आपकी कथाएं लीला कथाएं होती हैं और लीला कथा कैसी है वो वशीकरण मंत्र है भगवान की लीला कथा है और उसमें भक्तों का चरित्र ये कैसी है वशीकरण मंत्र है धर्म सुनिश्चिता विश्व से कथा सुख्या नौ उपाग्रह गतिरथि समय लीला कथा भ्राता सब कुछ मत याद है कि तुम्हारा है आदर्श संत का नहीं है कहां से आदर्श संत है भगवान की लीला कथाएं श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोकों में लिखित है उसमें आनंद है रस है और उसको सत्सुरम जो वैष्णव लोग होते हैं उसका आस्वादन कर और उसके श्रवण मात्र से ही कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं कैसे भक्ति पुरुष वर्षक भक्ति पुरुषो वर्षक भक्ति के वशीभूत पुरुष लीला कथा के वशी लीला कथा यह है भगवान को वशीकरण में मंत्र है इसलिए अहम भगवता भगवत भक्त पराधीनों की असल मंत्र योगी जब कौन कहा मासिक दुर्भाषा भगवान से उन्होंने प्रार्थना की चेतन को विमान कीजिए उन्होंने ऐसा नहीं संभव मैं भक्तों के प्राणी हूँ जाओ भक्त के यहाँ जाप का अपराध किया वहां जाओ मैं नहीं मैं स्वतंत्र जीवन भी कर मैं स्वतंत्र जीव मैंने क्या स्वतंत्र रहते यदि मैं स्वतंत्र हूँ भक्तों के यहाँ वो हमको अपनी लीला कथाओं इत्यादि के माध्यम से हमको बच्चे दूर कर सकता है सतान प्रसन्न में भी यही करता है अतिथि जो भगवान है इनकी कहो जाते हैं यहाँ पर भी बतलाया है खाली स्थिति सम्मान मनोगी जो लोग ज्ञान के लिए पृथक रूप में कोई प्रयास नहीं करते क्या करते हैं जहां पर हरि कथा होती है उसको प्रणाम करते हैं संग खरीता अपने आप निकलती रहती है फाउंटेन की भांति झरने की भांति उन कथाओं को सुन करके बहुत ही अबार कोई तीर्थाटन में नहीं जाते तीर्थों में जहां हरि कथा के स्थान स्थित उसी स्थान में स्थित होकर के श्रुति कथा जो अपने आप अपने कानों में आ रही है कथा बिना पूछे बिना कुछ कहे बिना परिश्रम के बिना पैसे के मूल्य के आ रही है परमान मनोगी तन से मन से वचन से भावना से जो आदर कर कैसे आदर कर कथा को सुनते हैं कि धन्य है आज मेरा जीवन चरित्रा ऐसे महापुरुष का संग है जो कथा को बना और उन लीला कथाओं को मन से चिंतन करते हैं उन्हीं लीला कथाओं
चिंतन करते हैं, भावना के द्वारा अग्नि की भावना करते हैं, उनके लिए स्थान जो अधिक भगवान है, ऐसे भक्तों के द्वारा लीला कथाओं के श्रवण के द्वारा पृथक रूप में कोई चीज की जरूरत नहीं। तब एक सामंजस्य करना, शास्त्र तो सभी ठीक आते हैं और जी गोस्वामी भी शास्त्र की बातें कह रहे हैं, गोस्वामी ने कहा है सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो, भक्ति जामिते कृष्ण लागे सूत्री धमान, सिद्धांत बोलकर के आप अवस्मरण करो, सिद्धांत सीखो और भक्ति ने स्वामी सिंधु में भी कहा गया है शास्त्रे युक्त उत्तर निपुणा, शास्त्र युक्ति में जो निपुण हो, चैतन्य चैतन्य में भी कहा गया है शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा उत्तम अधिकारी तारे तारे, अब इस जवाब वाला शास्त्र युक्ति नहीं दीर्घ श्रद्धावान, तो ये तो देखते हैं कि ये शास्त्र की सिद्धांत में जाना जरूरी है। से के ज्ञान की उपाने के भगवान की कथाओं में लीला कथाओं में जैसे श्रीमद भागवत में दामोदर लीला दाम बंधन लीला, किंतु इसमें कितने तत्व गहराई है। ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी लीला दिखलाई और उसमें कितनी गंभीर तत्व अपने आप है, इसे पृथक रूप में कोई स्वतंत्र रूप से उसके लिए चेतना मत करो, किंतु वैष्णव के रूप से लीला कथाएं और वैष्णव का चरित्र यदि हो तो इसीलिए ज्ञान ने प्रयास अनुगमान उत्पाद नमन करीब उन कथाओं का आदर करते हैं, कथा वाचक का आदर करते हैं, उन कथाओं का स्मरण करते हैं लीला कथाओं का और अपने आप उनको जितनी जरूरत है तब तो ज्ञान की बातें उनमें आ जा सके, प्रसन्न उसमें कोई जरूरत नहीं है। Previously, all the suggestions of Sri Radha Vanda had been rejected by Chaitanya Mahaprabhu as being external. Now, Radha Vanda is suggesting Gyanachandra Bhakti. Gyanachandra Bhakti means that bhakti which is devoid of the endeavor to cultivate knowledge. If one will only cultivate Tattva Gyan, his heart will become completely dry. So Radha right? He quoted this verse, Jai Prasad Abhasayamanda Eva. Srila Jiva Goswami has pointed on this verse. Here, what does it mean, Jai Prasad? The endeavor to attain knowledge. What kind of knowledge? Means Tattva-tattva-jnana, knowledge of the Bhagavad-tattva, Tvampa-tattva-jnana, knowledge of Jiva-tattva, Maya Tattva, all types of tattvas and all types of Aishwarya Jnana. They should all be neglected. And simply, once you hear very beautiful Lila Kata from the lips of pure sadhu. Why? This Lila Kata is Vasikaran Mantra. It means that a mantra which is used to bring someone else under control is called Rasikara Mantra. So,
Ramasanosikam, Sambhisa Sariya Tatasya, Rathpadre Yagirani, Shana Eva Hikevala, Sri Sutta Goswami Pad in the first half of Srimad Bhagavatam, has given the same conclusion that if you do all your dharma, that means even your spiritual practices, but you don't develop an attachment to listening to Hari Katha, that everything that you're doing was a waste of time. It was a hard labor for nothing. So, in the first half of Srimad Bhagavatam, it is mentioned that in the Lila Katha of Bhagavatam, in those books, then there's the Aranda, all the rasa is there, and Krishna becomes controlled by hearing that katha. Krishna is called Bhakti Vasimut Purush, that person who is controlled by Bhakti. So Krishna is Bhakti Vasimut Purush, he is controlled by Bhakti. Srila Gurudev gave an example. When Durvasa Rishi was being chased all over the universe by the Sudarshan Chakra because he had committed an offense to Ambarish Maharaj, at that time he came to Lord Narayan and prayed to him, "Please save me." At that time Lord Narayan said, "Aham Bhakta Paradino Yashratanta Ivadiga Sadhubi Drastarileo Bhakta Bhakta Janaka." "I'm sorry, I cannot do anything. I cannot help you because I am not independent. I have come under the control. Sadhubi Drastarileo. I have come under the control of my devotees. How? By the Lila Katha. I am Vasikut. I am controlled by the Harikatha." So in this verse, the Brahma says, "Ye prayaso dita yidopya sita shilokya." Even though Bhagavan is Ajit, he cannot be conquered by anyone. By this process of hearing Harikatha, speaking Harikatha, and meditating on Harikatha, then Krishna becomes controlled. So in this verse, Brahmaji says, "Stane sita." Just stay in that place where the sadhus are speaking Harikatha and Shutikatam. Just receive it through your ears. You don't have to pay any money. You don't have to make any effort or hard work. Automatically just listen to the current of Krishna Katha. But Namanta Eva, pay obeisances. Here Namanta means you should have so much honor for that Harikatha, to have a strong faith in your heart that simply by listening to this Harikatha, my entire life will become completely successful. And Shudikatam Tanavan Manobhya, by mind, by words, you should glorify that Harikatha, repeat that Harikatha, meditate upon that Harikatha, and then there will not be any need at all for a separate endeavor to cultivate any type of jnana, any type of knowledge. So now, Srila Gurudev is raising a point. We may become confused in a dilemma of one issue, and that is that what is described in Shastra, and what Srila Jiva Goswami Pada has written in his commentary upon this verse, both are true, it must be true. But it seems that they're at odds with each other, that there's a contradiction. So we see that Krishnadas Kaviraj Goswami, he said, "Siddhanta Vyachite Nakaralas Jahete Krishnalari Sudhidamanas." When it comes to understanding Siddhanta, don't be lazy. You should try to know Siddhanta. Because when we know Siddhanta, at that time, the mind will become steady and very much attached to Krishna. So Krishna Saraj, he said, "Learn Siddhanta." Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, there is a verse by Sri Rupa Goswami Pada explaining the qualities of the Mahabharata devotee. Shastra Yogi Sunipunan goes on like this, Bhakti Rasamrita Sindhu in Sanskrit. And the same verse has been paraphrased
Vaishnava Krishna Sarvaras Goswami, in Chaitanya Charita, Shastra Yukti Srila Puran, Vidrasha Vidya, say Uttam Adhikari, Jagat Nishtha. The Uttam Adhikari can deliver everyone. He has a very strong faith and he's experts in the conclusions of the Shastra, in the logic.